कि जो प्रोटेक्ट आईएमईआई डाटा जो कि सिर्फ यूएमटी में देखने को मिलता है, कि मतलब अगर आप इसको प्रेस कर रहे हैं, अगर आपने इसको टिक किया तो आपका आईएमईआई नहीं जाएगा। क्योंकि यहाँ देखिए ऊपर आपने लोडर लेके रखा हुआ तो नीचे क्यों दिया है, इसका रीजन ये है कि यहाँ पे आप कस्टम लोडर ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास में लोडर इस लिस्ट में नहीं आ रहा है तो आप इसका लोडर आपने डाउनलोड करके रखा हुआ तो आप यहाँ पे जाके इसका कस्टम लोडर ले सकते हैं कि लगा है कि नहीं लगा है, अनलॉक कर सकते हैं, रीलॉक कर सकते हैं, तो सारी चीजें दी हुई है, वर्किंग है दोस्तों। दोस्तों ये कोई क्रैक व्रैक नहीं है और ना ही ये कोई ऐसा क्रैक व्रैक वाले लोगों ने बनाया है, ये प्रोफेशनल है। हम यूनी टूल का बहुत पहले से काम कर रहे हैं और बहुत बहुत सालों से इसका काम चल रहा है और ये बहुत बड़ी कंपनी है और ये पेड है दोस्तों। वापस वो यहाँ आ जा रहा है, मतलब इसमें लगा हुआ है एमआई का अकाउंट, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे एमआई का अकाउंट भी मांग रहा है। तो चलिए इसको करते हैं डन। ऑन डाटा तो डन हो चुका है, अब रिसेट एफआरपी प्लीज वेट इसमें बोल रहा है, तो देखते हैं। अब देखिए रिसेट एफआरपी सक्सेसफुल डन कर चुका है और यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे होंगे इस फोन में ये बहुत इजीली तरीके से इसका बाईपास, ये जो हमारा एमआई अकाउंट है हो गया है बाईपास। तो अच्छा यहाँ पे मॉडल के साथ क्या है, यहाँ पे एंड्रॉइड वर्जन के साथ बैंडी वर्जन भी आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, मतलब आप बैंडी वर्जन भी आप देख पा रहे हैं और एंड्रॉइड वर्जन भी आप देख रहे हैं। जैसे U4 अगर आपकी फाइल में U4 है और साथ आप यहाँ से इसको कर सकते हैं चेंज आपके बूट लोगों, जैसे बहुत से कस्टमर होते हैं जो करवाना चाहते हैं तो बिल्कुल भी आप ये यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं इस टूल के साथ। फोर आपको नहीं पता तो बता दूं कि जो भी 7 वर्जन के ऊपर जो फाइल होती है वो .img में नहीं .lz4 में आती है, जिससे अंदर से आप फाइल निकाल के उसको .tar बना के ओडिन में यूज कर सकते हैं। उसमें आपको जो अडेप्टर यूज करना पड़ेगा वो अडेप्टर आप ये परचेस कर सकते हैं, ZX Malik का एक बनाया हुआ एक अडेप्टर है, यह है ZX ISP वर्जन 1.0। इस अडेप्टर में आपको क्या चीज़ देखने को मिलेगी मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, इसका एक वीडियो भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर मोबाइल ISP के थ्रू लगा हुआ है इस अडेप्टर के और मोबाइल टीयर टूल के थ्रू ही हो रहा है। मतलब इस अडेप्टर की खासियत ये है कि आपके पास UMT हो, आपके पास में कोई भी MMC का टूल हो, MRT का हो या और कंपोनेंट के बारे में क्या कहना था स्पेशल चीज दिखा रहे हैं, हालांकि स्पेशल नहीं है कॉमन है, फिर भी एक हम हमेशा वीडियो में एक क्रिकेट तन को और फिर तन को आने वाले समय में देने वाले हमारे और उसका माइंड क्लियर है कि मुझे करना है तो उसके लिए 1 महीना भी बहुत है। ठीक है, एक बार जोर से क्लैप कर दीजिए इनके लिए, आईसी लगाए हैं, थैंक यू वेरी मच सर। हाँ दोस्तों, मेरा नाम देवेंद्र अग्रवाल है, आप चैनल पर देखने वाले UAT टूल के बारे में कंप्लीट जानकारी। मैं ये नहीं कहता इसको परचेस ही करो, बहुत बहुत कमाल 100% सब फेल कर दिया, पर इतना है कि बहुत अच्छा टूल है, आप इसको परचेस कर सकते हैं और उसको खरीद सकते हैं। इसमें बहुत कुछ ऐसा दिया हुआ है जो कम्बाइन बहुत छोटे छोटे, जैसे UMD में कुछ दे दिया, MRT में कुछ दे दिया, हर एक चीज में कुछ ना कुछ दे दिया है, तो इसमें सब कम्बाइन करके इस टूल में दे दिया है। इस टूल के अंदर मैंने सारे ऑप्शन बताए हैं कि कौन सा ऑप्शन कब क्या काम करता है, प्लस प्रैक्टिकल करके इस वीडियो में आपको दिखाया है। एक Redmi MI का एक फोन का मैंने इसमें MI अकाउंट निकाला प्रैक्टिकली, क्योंकि अगर आप सॉफ्टवेयर का काम करते हैं और अगर आपको सॉफ्टवेयर में नॉलेज है, आप सॉफ्टवेयर की फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपको बहुत जानकारी देने वाला है। सिर्फ ये टूल की जानकारी के लिए मत जुड़िए, सिर्फ इसलिए जुड़िए कि अगर आपको किसी भी टूल के इंटरफेस समझ में नहीं आते हैं कि कौन सा ऑप्शन किसके लिए है, तो मैंने इसमें बहुत कंप्लीटली तरीके से एक बड़ा एक वीडियो बनाने की कोशिश की है। और मेरा हमेशा से ध्यान यही रहता है कि मैं एक बड़ा वीडियो बनाऊं, छोटे छोटे वीडियो में कुछ समझ में आता नहीं है, छोटे छोटे वीडियो सिर्फ मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा उसमें हम समझा भी पाते हैं, तो बड़े वीडियो में बहुत एक्सप्लेन अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और ये वक्त आपके सीखने का है, तो जितना हो सकता है उतना सीखिए और अगर पसंद आए तो ये टूल परचेस कीजिए। ये टूल परचेस करने की लिंक मैंने नीचे दिया है और अगर आपको ट्रेनिंग करना है तो उसकी भी लिंक मैंने नीचे दिया, नंबर आपको वैसे ही चल रहे होंगे। तो दोस्तों ये टूल बहुत अच्छा है, उसके साथ में ZX एक ISP पिनआउट का टूल भी हम लोग ने निकाला हुआ है जो ZX Malik के थ्रू आउट निकला हुआ है, बहुत अच्छा टूल है। आप उस टूल का यूज करके आप वो लोग जो UFI नहीं खरीद पा रहे हैं, जो UFI वाला काम नहीं कर पा रहे हैं, अब UFI काम कर सकते हैं, लॉकिंग अनलॉकिंग ये सारी चीज कर सकते हैं, तो देखने के लिए पूरा वीडियो देखिए, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पे उठाना चाहता हूँ यूनी एंड्रॉइड का टूल, अगर हम बात करें इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो है UAT टूल, UAT का मतलब यूनी
और ए मतलब एंड्रॉइड और टी का मतलब टूल। तो सबसे पहले मैं टूल को ओपन करूंगा। दोस्तों ये वीडियो एक लंबी होने वाली है, सो ये वीडियो पूरा देखना क्योंकि वीडियो आपको बहुत नॉलेज मैं देने वाला हूँ इस वीडियो में। और सॉफ्टवेयर करने वाले अधिकतर जो सिर्फ सॉफ्टवेयर करते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि हो सकता है मैं इसमें बेसिक से बेसिक कुछ चीजें ऐसी बता दूं जो हम क्लास में बताते हैं और जिसको आपको समझने में आसानी हो। बहुत सारे ऑप्शंस में इसमें आपको ब्रीफली किस तरीके से इसको बताने वाला हूं, डिस्क्राइब करने वाला हूं। ओके, सो इस वीडियो में जुड़े रहना क्योंकि मैं पूरे टूल ओपन करके बताने वाला हूं। और मैं समय बिल्कुल नहीं देखता हूं, मैं बोलता हूं जितना लंबा हो उतना, जितना लंबा हो उतना अच्छा, जितना ज्यादा मिल सकता है उतना अच्छा है हमारे लिए। चलो, तो इंटरफेस काफी अच्छा है यूनी एंड्रॉइड ने यहाँ पर एक कुछ वीवो ओप्पो का एक मोबाइल का एक इंटरफेस डाला हुआ है। तो चलिए ये आ चुकी है लॉगिन स्क्रीन। देखिए यहाँ पे एक टूल आईडी यहाँ पे दी गई है, ये आपको टूल के साथ में दी जाएगी। देखिए ये कोई फिजिकल टूल नहीं है, ये आपको ऑनलाइन मिलेगा तो आपको ऑनलाइन ही चलाना पड़ेगा। इसमें कोई अडेप्टर या कोई यूएसबी नहीं लगता है। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे ईमेल और अपना पासवर्ड डाल कर रखा हुआ है और प्रोटेक्शन के लिए मैंने इसको हाइड करके रखा हुआ है। तो चलिए करते हैं। अभी देखिए यहाँ पे स्टेटस दिखा रहा है ऑनलाइन, और सबसे पहले आप यहाँ पे रजिस्टर्ड आपको करना पड़ेगा। तो रजिस्टर्ड की नॉर्मल डिटेल है जिसमें भरना पड़ेगा आपको यही आपका ईमेल और आपको क्या देना है पासवर्ड, और आपको मिल जाएगी एक टूल आईडी। तो चलिए इसके बारे में मैं डिटेलिंग करने वाला हूँ क्योंकि यहाँ पर इस टूल के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं ऊपर, तो यहाँ लिखा हुआ है यूनी एंड्रॉइड टूल वर्जन 27, मतलब वर्जन है 27.01। अगर आप यहाँ पर वर्जन की बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर वर्जन जो आएगा वो आएगा 27.01। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर क्या क्या आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें इंटरफेस किस किस मोबाइल का यहाँ पे दिया हुआ, क्योंकि मेरे पास में एक बिल्कुल प्रैक्टिकल के लिए एक मोबाइल, तो मैं उस मोबाइल को भी इस टूल को पहले थोड़ा समझा दूं, उसके बाद में इसमें करते हैं प्रैक्टिकल की टूल कितना वर्किंग है कितना नहीं है। फिलहाल जो मेरे हाथ में हैंडसेट है मैं उसी हैंडसेट पे इस पे वर्क कर रहा हूँ। आप इसको अपने जितने भी जो इस टूल में दिए हुए हैं प्रोग्राम के हिसाब से, जो भी मॉडल और जो सपोर्ट करता है उसके हिसाब से आप इसको वर्क करेंगे। तो चलिए अगर हम बात करते हैं तो इंटरफेस की, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा है कॉलकॉम का टूल, उसके बाद एंड्रॉइड, मतलब जो कॉलकॉम में तो हो गया है जो पर्टिकुलर जिसमें कॉलकॉम का सीपीयू और जो कॉलकॉम का चिप के साथ में आते हैं, और मैं चलिए इसकी बात करूंगा। फिर इंटरफेस की बात करें तो इसमें है एंड्रॉइड, जिसमें सिर्फ हम एंड्रॉइड की बात करेंगे, मतलब उसमें आईएसओ नहीं आता है, और इसके अलावा जो भी अलग मोबाइल होते हैं उसमें जिसमें एंड्रॉइड वर्जन आता है हम उसी की बात यहाँ पे करेंगे। ये है सैमसंग, मतलब जो सिर्फ सैमसंग के मॉडल है सिर्फ ये उनको सपोर्ट करता है। ये सिर्फ एलजी के मॉडलों को सपोर्ट करेगा, ये वाला फंक्शन सिर्फ सोनी के मॉडलों को सपोर्ट करेगा। क्योंकि सोनी में चिप अलग अलग आती है, उसमें कॉलकॉम की भी बात करें तो सोनी में कॉलकॉम भी आता है, पर उसके वो जो सपोर्ट करता है वो करता है एफटीएफ फाइल को, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। और बाकायदा यहाँ पर एफटीएफ फाइल के साथ में बहुत सारी चीजें यहाँ पर दी हुई है, तो चलिए हम उसकी बात करेंगे। एक फ्लैशर टूल है यहाँ पर सोनी का। एमटीके में बात करेंगे, बहुत सारी चीज यहाँ पे दी हुई है, एमटीके की भी हम बात करेंगे। हुवावे का सपोर्ट है यहाँ पर, माइक्रोसॉफ्ट मतलब लुमिया का सपोर्ट है यहाँ पर, मोटरोला का सपोर्ट यहाँ पे दिया हुआ है, और कुछ एफआरपी डायरेक्ट एफआरपी करने के लिए यहाँ पर दी हुई है जो ब्रांड वाइज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे रिबूट मतलब आप जो भी आप कहेंगे, अगर आपका ये मोबाइल एंड्रॉइड है तो ये आपका काम करेगा, जिसमें अगर आपको एडीबी टू ईडीएल मोड पे जाना है, या आपको आपके डीएफयू मोड है तो आपको डीएफयू से ईडीएल मोड पे जाना है, या एफटीएम आपका मोड है, एफटीएम से फैक्ट्री जो टेस्ट मोड होते हैं उससे आपको ईडीएल मोड पे इमरजेंसी डाउनलोड मोड पे जाना है, फास्टबूट मोड से बूट लोडर मोड पे जाना है, या एनेबल डायग्नोस्टिक, ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएंगी। तो मेरे हिसाब से पहली लाइन आप समझ गए होंगे। तो उसके बाद में सबसे पहले यहाँ पे सर्च करने का दिया हुआ ऑप्शन, उसके बाद देखिए यहाँ पे किया हुआ है स्टॉप, कि अगर आप कुछ परफॉर्म करते हैं तो ये जो रेड कलर की स्क्रीन है यहाँ पे आप उसको टिक करके आप इसको स्टॉप कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है अबाउट, अबाउट में दिया होगा इसका पूरा वर्जन, जैसे यहाँ पे आपको डिटेलिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है। प्लस यहाँ पर दिया हुआ है ड्राइवर। अच्छा देखिए सबसे अच्छी बात क्या है कि जैसे मैंने ड्राइवर को क्लिक किया तो यहाँ पर आपको ड्राइवर इंस्टॉल करने के लिए भी आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं। अब जैसे एडीबी के ड्राइवर, तो मैंने एडीबी के ड्राइवर को इंस्टॉल किया, जैसे इंस्टॉल, अब जैसे एडीबी के ड्राइवर, तो मेरे एडीबी के ड्राइवर इंस्टॉल है। अब जो ड्राइवर मेरे में इंस्टॉल नहीं है तो वो ऑलरेडी उसे वो बोल रहा है कि ये ड्राइवर इंस्टॉल करो। जैसे कि देखिए मैंने एडीबी को टिक किया था तो एडीबी के ड्राइवर इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपने करना क्या है, अबाउट में जाना है और यहाँ से अपने ये ड्राइवर को मैन्युअली यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, जो कि बहुत कम टूलों में होती है। जनरली टूलों में क्या होता है कि जब हम टूलों को इंस्टॉल करते हैं तब उनके साथ में कुछ जो मेन ड्राइवर होते हैं वो इंस्टॉल हो जाता है, पर देखा जाए तो यहाँ पर कॉलकॉम के डायग्नोस्टिक ड्राइवर भी दे दिए हैं, कॉलकॉम एमटीके और एमटीके यूएसबी, जिसमें सीडीसी ड्राइवर भी मुझे लगता है कि मिल जाना चाहिए। सपोर्ट एरिया की बात करेंगे तो सपोर्ट एरिया में यहाँ पर उन्होंने दे दिया अपनी वेबसाइट,
ऑल फर्मवेयर बाउंड, मतलब यहाँ पर अगर हम इसको टिक करते हैं तो विजिट सपोर्ट एरिया में फोरम्स में चले जाएंगे, जहाँ पे आपको इसकी फर्म, आपको अगर किसी फ्लैश फाइल की लिंक चाहिए तो वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। टैक्स मैनेजर की बात करें तो डायरेक्ट इसको टिक करेंगे तो आपका टैक्स मैनेजर ओपन हो जाएगा, एक बहुत अच्छी बात है। ठीक है, जैसे ही इसको टिक करेंगे आपको टैक्स मैनेजर ओपन हो जाएगा। मे बी आप किसी चीज को जो आपकी नॉट रिस्पॉन्डिंग हो गई है आप उसको हटाना चाहते हो तो यहाँ से आप डायरेक्ट टैक्स मैनेजर पे जा सकते हैं। अगर हम बात करेंगे डिवाइस मैनेजर तो ये भी कमाल की बात है, मतलब आपको डिवाइस मैनेजर खोलने के लिए अब ना टिप टिप करना पड़ेगा डिवाइस मैनेजर, ना ही आपको कहीं जाकर सेटिंग से डिवाइस मैनेजर खोलने की जरूरत है। सीधे आप इसको अबाउट में जाएंगे और यहाँ पे डिवाइस मैनेजर पर टिक करेंगे तो आपको खुल जाएगा डिवाइस मैनेजर। तो अब हम यहाँ पे बात करें, तो अब हम बात करेंगे दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, इसलिए मैंने कहा वीडियो लंबी है पर आपको बहुत सारी चीज समझ में आ जाएगी। इस टूल के साथ ही नहीं, बहुत सारे टूल के साथ आपको ऐसी चीजों को समझने के लिए ये वीडियो देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक टूल देखकर आप बाकी सारे टूल को भी इंटरफेस समझ सकते हैं। हेल्प की बात करते हैं तो ये मतलब कुछ हेल्प, मतलब अगर इससे रिलेटेड जैसे हेल्प, अगर एडीबी मोड पे कैसे जनरल एडीबी लाना है तो देखिए यहाँ पर एडीबी को लाने के लिए हाउ टू इनेबल एडीबी कैसे लाया जा सकता है, और Xiaomi का एडीबी कैसे हम ओपन करें तो ये भी इसमें दिया हुआ है। फास्ट बूट मोड कैसे लाएं ये दिया हुआ है, ईडीएल मोड, इवन ड्राइवर भी यहाँ पे दी हुई है, ड्राइवर की लिंक भी है, डाउनलोड कर भी सकते हैं। एफटीएम क्या होता है तो देखिए यहाँ पे एफटीएम के बारे में भी बताया गया है, डायग्नोस्टिक मोड ये बताया गया है। सब कमाल की बात है कि यहाँ पर बताया गया है कि जेटी एफआरपी आईएमई रिपेयर करने के लिए डायग्नोस्टिक मोड ओपन करता है, जिसके लिए डायल करना पड़ेगा कोई सीक्रेट कोड, और इसके हिसाब से एलजी वीवो और जेटी करके आप कुछ मॉडलों में एफआरपी कर सकते हैं, जो कि वीवो की बिल्कुल सही और एलजी की भी बिल्कुल सही दी गई है। डाउनलोड मोड की बात करेंगे तो देखो सैमसंग में किस तरह से डाउनलोड मोड लाया जा सकता है ये भी बताया गया है, प्लस दिए गए इसके ड्राइवर। और यहाँ पर एलजी की इंटरनेटिंग की बात करेंगे तो कैसे एलजी को एंटर किया जाता है डाउनलोड मोड पे, जैसे कि आपको पता होगा कि सैमसंग और एलजी में डाउनलोड मोड आता है। और अगर हम बात करेंगे ये है एडजस्ट बटन, तो बहुत अच्छा ये दिया हुआ है अबाउट में, जैसे कि आप समझ गए होंगे सारी चीज आपको देखने को मिल रही है। और यहाँ पे हेल्प में आपको किस तरीके से यहाँ पर आपको मूड में लाना है तो ये भी आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। स्किन की बात करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी स्किन है, बहुत सारे कलर है आपको देखने को मिल जाएंगे। खैर अभी मैं इस कलर को चेंज करना नहीं चाहता क्योंकि वैसे ही वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। और दोस्तों ये है ऑटो पोर्ट कनेक्ट, अगर मान लो ऑटो नहीं होता है तो इसको हटा के आप यहाँ पर मैनुअल भी कर सकते हैं, जैसे कॉम 2 और कॉम 3 आ रहा है तो मैं इसको हटा दूंगा और यहाँ पे कॉम 2 सेलेक्ट कर लूंगा तो मे बी मेरा काम हो जाना चाहिए। तो तो मुझे लगता है कि आपके पहली रो और दूसरी रो समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं धीरे धीरे कॉलकम की। दोस्तों कॉलकम में हालांकि मैं इसमें प्रैक्टिकली परफॉर्म करके बताऊंगा इस वीडियो के बिल्कुल एंड में, ताकि ये ना लगे कि इस वीडियो में खाली मैंने टूल बता दिया परफॉर्म करके नहीं बताया, इसलिए मैंने एक मोबाइल तैयार करके रखा हुआ है। सो सबसे पहले बात करते हैं कॉलकम में, तो जेनरिक कॉलकम यहाँ पे दिया हुआ है जिसमें आपको देखिए ये ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको फ्लैशर सिक्योरिटी सर्विस बैकअप वाइप एंड QCN का आप QCN को रीड राइट कर सकते हैं, जिसमें यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा आपके लोडर, और जो लोडर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे तो बहुत सारे लोडर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे और आपको रीड और राइट आसानी से आप इसको कर सकते हैं। और उसके बाद आप अगर मैं बात करूँ फ्लैशर की तो यहाँ पर फर्मवेयर XML फाइल के साथ आप इसको फ्लैश कर सकते हैं, जिसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं सबसे अच्छी बात यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी जो प्रोटेक्ट IMEI डाटा जो कि सिर्फ UMT में देखने को मिलता है, कि मतलब अगर आप इसको फ्लैश कर रहे हैं अगर आपने इसको टिक किया तो आपका IMEI नहीं जाएगा, क्योंकि QCN फाइल के साथ में बड़ा ही लोचा होता है और उसमें कई फाइलों के साथ फ्लैश करने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर हमारा IMEI चला गया है। सो बेसिकली ये चीजें उनके साथ होती रहती है, तो ये चीजें समझने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत होती है। अगर आपको ट्रेनिंग लेना तो इससे टेलीकॉम के साथ जोड़ सकते हैं। तो अगर बात करें फॉर्मेट आफ्टर फ्लैश विदाउट पैच फाइल, सारी चीज यहाँ पे दी हुई है। मोड अगर बात करें तो यहाँ पर EDL मोड दिया हुआ है, फास्ट बूट दो मोड से फ्लैश कर सकते हैं, जैसे कि आपको पता है फास्ट बूट जो कि बूट लोडर लॉक होते हैं वो हमें EDL पे करना पड़ता है, और जिससे बूट लोडर लॉक होते हैं उनको हम फास्ट बूट पे भी कर सकते हैं। सिक्योरिटी की बात करें, अच्छा यहाँ पर लोडर की बात करेंगे तो यहाँ पर भी आपको लोडर देखने को मिल जाएंगे। अगर सिक्योरिटी की बात करूँ तो इंटरनल लोडर, यहाँ पर सबसे पहले आपने लोडर लेना है, जैसे आपने लोडर ले लिया है फिर आपने बताना है कि आपके मॉडल में लगा हुआ जो हार्डवेयर है जिसमें चिप जो EMMC है वो एक्चुअल में EMMC है या UFX चिप लगी हुई है, जो भी प्रोग्रामिंग चिप है तो आपने उसको करना है सिलेक्ट, और उसके बाद में फिर यहाँ पे ले लेना अपना लोडर। आप चाहें तो यहाँ देखिए ऊपर आपने लोडर लेके रखा हुआ तो नीचे क्यों दिया है, इसका रीजन ये है कि यहाँ पे आप कस्टम लोडर ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास में लोडर इस लिस्ट में नहीं आ रहा है तो आप इसका लोडर आपने डाउनलोड करके रखा हुआ तो आप यहाँ पे जाके इसका कस्टम लोडर ले सकते हैं। फिर आपने EDL मोड पे करना है। अगर आपको सिक्योरिटी का बैकअप लेना है, अब देखिए सिक्योरिटी का बैकअप क्या होता है सारी चीज को समझाने के लिए आपको क्लास तो ज्वाइन करना पड़ेगा, फिर भी मैं बता देता हूँ क्योंकि वीडियो मैंने बोला था कि काफी अच्छी चीज आपको समझने को मिलेगी।
तो बैकअप सिक्योरिटी का करने से होता है ये है कि अगर आप इसको फ्लैश करते हैं और अगर आपका मे बी वाईफाई नहीं चल रहा है या फिर अगर हम बात करेंगे दोस्तों अब सिक्योरिटी में एनवीएफ की फाइलें होती हैं, आपका आईएमईआई या आपका बेसमेंट चला जाता है तो वो सिक्योरिटी एक तरह से आपकी आपको वापस मिल जाएगी। वाइफ सिक्योरिटी कर सकते हैं और रीस्टोर जैसे बैकअप लेने का रीस्टोर भी सिक्योरिटी हम इस मोड में कर सकते हैं। सर्विस की बात करेंगे तो रिसेट एफआरपी आपको देखने को तीनों मोड में मिल रहा है, रूट अनरूट के ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, डायरेक्ट अनलॉक अगर पैटर्न लगा हुआ है, रिसेट स्क्रीन लॉक, डिसेबल। डिसेबल का मतलब ये होता है कि कई बार क्या होता है कि कुछ वर्जन तक जैसे 6 वर्जन तक या उसके अलावा पैटर्न रीड नहीं होते तो उसको डिसेबल कर सकते हैं ताकि उसके डाटा को किया जा सके स्टोर और सेव करके निकाल के उसको वापस पैटर्न को लगा के फिर उसको फॉर्मेट किया जा सके। या रीड पैटर्न, रिमूव पासवर्ड और चेक बूट लोडर, चेक कर सकते हैं कि सही है कि लगा है कि नहीं लगा है, अनलॉक कर सकते हैं, रीलॉक कर सकते हैं, तो सारी चीजें दी हुई है और वर्किंग है दोस्तों। दोस्तों ये कोई क्रैक व्रैक नहीं है और ना ही ये कोई ऐसा क्रैक व्रैक वाले लोगों ने बनाया, ये प्रोफेशनल है। हम यूनी टूल का बहुत पहले से काम कर रहे हैं और बहुत सालों से इसका काम चल रहा है और ये बहुत बड़ी कंपनी है और ये पेड है दोस्तों, ठीक है। तो बैकअप एंड वाइप में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा इंटरनल लोडर और जैसे आप लेंगे तो आप यहाँ पे इसका बैकअप मतलब सीधी सी बात आप रीड फर्मवेयर कर सकते हैं, स्किप यूजर डाटा कर सकते हैं, पार्टीशन बना सकते हैं, बैकअप राइट आप राइट भी कर सकते हैं। देखो राइट सिलेक्टेड एंड राइट वाइप सिलेक्टेड भी आप यहाँ पर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ बैकअप एंड वाइप, तो वाइप भी कर सकते हैं और यहाँ पर राइट का ऑप्शन भी दिया हुआ है कि जनरली कुछ फाइल आपको राइट करना है तो आप यहाँ पर राइट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्यूसीएन का दिया हुआ है, दोस्तों यहाँ पे क्यूसीएन का दिया हुआ है तो जैसे कि आप जानते हैं कि होता है कैलिब्रेशन, ये होता है क्वालकॉम कैलिब्रेशन नेटवर्क की फाइल जिसमें आपका रहता है बेसमेंट और आपके सिक्योरिटी जैसे आईएमईआई का स्टोर। जैसे यहाँ पे एक मॉडल यहाँ पे दिया हुआ है मोबाइल के जो आते हैं जनरली और जो हमारे इंडिया में कम चलते हैं, बाहर के देशों में चलते हैं ज्यादा। और यहाँ पे ऑसस की बात करें तो ऑसस में भी आपको दिए होंगे काफी अच्छे मॉडल जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं और उसके ऑसस में भी आप यहाँ पर देखेंगे रिसेट एफआरपी, रूट अनरूट कर सकते हैं, रीड पैटर्न कर सकते हैं, रिसेट स्क्रीन और डिसेबल स्क्रीन कर सकते हैं। कूल पैड की बात करें, कूल पैड में भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं, वैसे ही लेनवो। ओप्पो की बात करेंगे तो दोस्तों क्योंकि ओप्पो में अभी अधिकतर नवे मोबाइल तो सारे ऑनलाइन आ रहे हैं, ऑनलाइन के लिए भी इस टूल ने अपने ईएमसी आईएसपी पिनआउट आईएसपी का ये टूल निकाला हुआ है जो कि मैं आपको इसके बाद बताऊंगा। तो जैसे कि यहाँ पर हमने 71 लिया है, ई डेल मोड पर कनेक्ट किया और सिर्फ इसको किया रिसेट एफआरपी तो ये हो जाएगा आपका काम डन। आप यहाँ से कर सकते हैं रीड पैटर्न और नहीं हुआ तो आप रिसेट स्क्रीन रॉक पे कर सकते हैं, नहीं हुआ तो डिसेबल, नहीं तो फिर आप सीधे रिसेट एफआरपी करके या तो फॉर्मेट पहले फॉर्मेट कर लेंगे नहीं तो फिर रिसेट एफआरपी कर लेंगे दोस्तों। तो ये बहुत सारे चीजें हैं जो हो सकती है एडीबी मोड पर और फास्टबूट मोड पे अगर इसके ये ओपन है तो, हालांकि ईडीएल मोड पे ये कर सकते हैं। ईडीएल मतलब जिसमें ओप्पो के जिसमें क्वालकॉम के लगे हुए हैं चिप। वीवो की बात करेंगे तो दोस्तों वीवो में देखो एक यहाँ पर वीडियो देखो कितने सारे मॉडल है, वीवो V9, V7, वीवो V11 प्रो भी यहाँ पे आपको देखने को, वीवो V9 प्रो, तो ये सारे आपको मॉडल देखने को मिल जाते हैं। उसके साथ वाइप फॉर्मेट, यूजर डाटा फैक्ट्री रिसेट मतलब जिसमें आप बचा सकते हैं अपने डाटा को भी, तो ये सारी चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है वन क्लिक में। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि method 1, method 2, method 3 फिर पलाना या format 1 ये सब सिलेक्ट करो, ये सब पचड़े से बच गए हैं। सो Xiaomi की बात करें क्योंकि हमारा फोन Xiaomi का ही है, अभी हम इस पर करने वाले हैं प्रैक्टिकल और यहाँ पर हम इसको करेंगे एफआरपी का रिसेट। और सिक्योरिटी रूट की बात करें, रिपेयर, फ्लैशर, तो सारी चीज यहाँ पे दी हुई है। टेस्टिंग पॉइंट भी यहाँ पर बहुत सारे मॉडलों का दिया हुआ है। फ्लैशर की बात करें तो यहाँ पर देखिए बैच फाइल, फास्टबूट, ईडीएल मतलब सिर्फ खाली एक फाइल के साथ फ्लैश करना है तो भी कर सकते हैं, फास्टबूट मोड पे, ईडीएल मोड पे करना है, किसी भी मोड पे करना है, लोडर सेलेक्ट करके सिर्फ एसएमएल फाइल देनी है। और यहाँ पर देखिए जो तीनों जैसे कि आपने देखा होगा एमआई अकाउंट में, एमआई के फ्लैश टूल में जनरली ये तीन फाइल आती है कि आपको फॉर्मेट करना है, विदाउट फॉर्मेट करना है या सब कुछ आपको हटा देना है, तो ये आप बिल्कुल कर सकते हैं Xiaomi के साथ। और उसके बाद में ZTE के साथ में फिर कुछ अदर मॉडल दिए हुए हैं, तो चलिए चलते हैं एक बार करते हैं Xiaomi का प्रैक्टिकल डन और उसके बाद में फिर आते हैं एंड्रॉइड और सैमसंग के और बाकी सारे मोबाइलों का करते हैं काम। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा और अच्छा लग रहा होगा। इस वीडियो में मैं आपको और भी आगे बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ तो इस वीडियो को कनेक्ट रहिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर है मेरे पास एक Redmi का मोबाइल, अब मैं इसको करता हूँ ऑन। हालांकि इसमें लगा हुआ है एक, मैंने लगाया है MI अकाउंट और हम इसको करते हैं प्रैक्टिकली डन। ये देखिए यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे होंगे, मैं इसको स्किप करता हूँ, यहाँ पर कर रहा है कनेक्ट वाईफाई के साथ में। देखिए सर्च फॉर सिम कार्ड जाता हूँ, फिर स्किप दिस टैप करता हूँ, इंसर्ट सिम कार्ड बता रहा है, चेक अगेन यहाँ पे करता हूँ, तो सारी चीज़ें आप यहाँ जैसे कि शुरू से मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए मैं नेटवर्क आ रहा कर रहा हूँ स्किप, स्किप करने के बाद मैं नेक्स्ट, फिर स्किप दिस स्टेप अगेन और फिर ये स्टेप अगेन। तो ये बेसिकली
चेक कर रहा है सिम कार्ड को, क्योंकि सिम कार्ड से वो नेटवर्क को पकड़ेगा और इसलिए वो करेगा, पर वो कर नहीं पा रहा है, वापस वो यहाँ आ जा रहा है। मतलब इसमें लगा हुआ है एमआई का अकाउंट, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे एमआई का अकाउंट भी मांग रहा है। तो चलिए इसको करते हैं डन। और यहाँ पर मैंने खोल के रखा हुआ है, साथ में आपको देखिए स्क्रीन दिख रही होगी। अब यहाँ पे मैंने खोल के रखा है डिवाइस मैनेजर यहाँ पर, और ओके यहाँ पे मैंने साइड में डिवाइस मैनेजर खोल के रखा हुआ। आई होप कि आपको लैपटॉप और मेरा स्क्रीन दोनों दिखाई दे रहे होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसको ऑफ। देखिए हम करेंगे इसको यहाँ से ऑफ। अब यहाँ पे इसको ईडीएल मोड के जो पोर्ट हैं वो यहाँ पर दो दिए हुए हैं, तो यहाँ पर हम इसको ईडीएल मोड पर डालेंगे। ईडीएल मोड पर डालने के लिए मैं इसको लगाऊंगा यहाँ और इसके साथ में ये इधर। तो देखिए इसको ईडीएल मोड पर मैं डाल देता हूँ। बैटरी कनेक्टर निकालना है दोस्तों आपको उसके लिए। तो ये आ चुका है ईडीएल मोड पे, यस ये आ चुका है ईडीएल मोड पे। अब यहां पर हम चले आते हैं टूल पर, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब यहां हम चले आते हैं टूल पर, टूल पे हमें जाना है। अब देखिए क्योंकि ये हमारा Xiaomi का करना है तो Xiaomi आता है। अब ये Xiaomi है मेरा कॉलकम में, तो मैं कॉलकम में जाऊंगा और यहाँ पे ढूंढूंगा Xiaomi जो कि मुझे मिल गया है इधर, और इधर मुझे मिल जाएगा। अब मुझे इसमें जाना है जहाँ MI अकाउंट दिया हो। तो ये सर्विस में, सर्विस में यहाँ पर मुझे MI अकाउंट दिया है। यहाँ से मैं अपना मॉडल नंबर कर सकता हूँ सेलेक्ट। तो मैं मॉडल नंबर सेलेक्ट करने का EMMC मेरा यहाँ पर लगा हुआ है। लोडर मुझे डालने की जरूरत नहीं है, अगर कोई नया फोन होता तो मैं इसमें डाल देता लोडर। तो उसके बाद में मेरा कौन से मोड में कनेक्टेड है, ईडीएल मोड में कनेक्टेड है जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब इसके बाद में रिसेट एमआई अकाउंट पे करना है मुझे क्लिक, और उसके बाद में डू सिलेक्ट पे मैं करूंगा। और यहाँ पर अब तो देखिए यहाँ पे पोर्ट स्कैन करने के लिए बोल रहा है, तो मैंने क्योंकि हाँ क्योंकि मैंने यहाँ ऊपर ऑटो पोर्ट को हटा के रखा हुआ था, इसलिए वो बेसिकली नहीं लिया है उसने डायरेक्ट इस चीज को। सो अब इसलिए मैंने देखो ऑटो पोर्ट क्लिक कर दिया है। उसके बाद में फिर से करूंगा डू सिलेक्ट, और डू सिलेक्ट करने के बाद मैं डायरेक्ट इतने पोर्ट बना लिया है, जैसे कि स्नैपड्रैगन 435 का इसमें प्रोसेसर लगा हुआ है और ये कर रहा है स्टार्टिंग बूट। प्लीज वेट, और थोड़ा सा वेट करेंगे तो इसकी आ जाएगी इन्फॉर्मेशन। उसके साथ में हम देखते हैं कि ये इसके एमआई अकाउंट को डन करता है कि नहीं। बहुत इजी है, कोई इसमें ऐसा एरर या कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। पहली बता दोस्तों इसका क्रैक वैक वर्जन काम नहीं करता है। जो भी है आपको ये टूल परचेस करना पड़ेगा अगर आपको ये टूल के फायदे उठाने हैं तो। सो EMMC इसमें लगी हुई है जिसमें EMMC के बता दिए हैं टाइप, और यहाँ पर Redmi Note 5 है जो कि इसका है मॉडल QC, और जो Android का वर्जन यहाँ पे आप देखने को मिल रहा है आपका है 7.1.2 वर्जन, नॉगट वर्जन लगा हुआ है। MIUI V9 इसमें चल रहा है, और अगर हम बात करें तो रीडिंग डाटा ये ले रहा है, अब तक इसने कुछ ऐसा एरर दिया नहीं है। डाटा फाउंड उसने किया है, और UGG ग्लोबल इसकी है फर्मवेयर। अगर Xiaomi की बात करेंगे देखिए ईमेल लिंक यहाँ पे दी हुई है, ये बहुत अच्छी चीज है कि इसने ईमेल बताई है जो कि बिल्कुल सही है, ये मेरी ही है ईमेल आईडी, और रिमूव एमआई अकाउंट इसमें करके यहाँ पर दिखा रहा है। तो जो भी चीज देखो इस चीज को मैंने प्रैक्टिकली बताया हुआ है, क्योंकि मैंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया कि आपको यहाँ पे बता दूं और टूल के और टूल चले या ना चले, क्योंकि ये बहुत जेन्युइन और ये बहुत अच्छी कंपनी का टूल। रिसेट FRP प्लीज वेट डन, पैचिंग अकाउंट डाटा तो डन हो चुका है, अब रिसेट FRP प्लीज वेट इसमें बोल रहा है। तो देखते हैं, अब देखिए रिसेट FRP सक्सेसफुल डन कर चुका है। अब मैं यहाँ पर फोन को उठाता हूँ, साथ में आपकी फोन की स्क्रीन पे भी आप देख रहे होंगे। ओके अब मैं इसका ये केबल कर देता हूँ रिमूव, और ये केबल में लगे रहते उसको कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसमें डालूंगा बैटरी, इंसर्ट करूंगा बैटरी, ओके, और इसको करते हैं हम बूट। तो ये हो गया है बूट, और दोस्तों मैं इसको इस तरह से रख देता हूँ आपके सामने, और क्योंकि इसमें टाइम लगेगा बूट होने के टाइम बाद, एकदम से होता नहीं है फोन ऑन बूटिंग में, पहला बूटिंग लेता है ये तो फोन में लेता है थोड़ा सा टाइम। तो इसको मैंने रख दिया कुछ इस तरीके से ताकि आपको स्क्रीन में दिखता रहे फोन, और कहीं ऐसा ना दिखे कि भाई मैंने बाईपास किया, ऐसा कुछ भी नहीं है हालांकि। चलिए ठीक है, तो आप समझ गए होंगे किस तरह से कितना आसान है ये सब करना, और अगर आपको ये चीज सीखनी है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इसे टेलीकॉम को दिए गए नंबर हमारे जो आपको नीचे शो हो रहा होगा, आप 12, 11 और 5 के बीच में कर सकते हैं कॉल। चलिए ठीक है, अब मैं बात करता हूँ इसमें एंड्रॉइड में आ जाते हैं। एंड्रॉइड में फिर आप ADB मोड, क्योंकि एंड्रॉइड में देखिए कितने ADB मोड से आप बहुत सारी सेटिंग्स यहाँ पे दी हुई है, फिर उसी में ही यहाँ पर फास्ट बूट मोड भी है, कैप्चर स्क्रीन, खैर ये हो गई कैप्चर स्क्रीन आप यहाँ पे कर सकते हैं। सैमसंग
अगर मैं एंड्रॉइड में, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। रिकवरी फ्रेशर यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा, बहुत अच्छी चीज है कि आप यहाँ पे TWRP को TWRP आप यहाँ पर रिकवरी फ्लैश चला सकते हैं। सेलेक्ट रिकवरी, मतलब आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर रिकवरी को करना है सेलेक्ट और उसके साथ उसको करना है फ्लैश। फाइल तो आप ही को डाउनलोड करनी पड़ेगी, ये सिर्फ एक फ्लैशर की तरह करता है काम। तो चलिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हो गया है मेरा इसका अकाउंट का पासवर्ड बाईपास, बहुत इजीली तरीके से और जल्दी हो गया है, मुझे इतना लगा नहीं था जल्दी होगा। और इसको मैं कर देता हूँ बाय आगे और ये कर देता हूँ सेटअप को ऑन। और यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे होंगे इस फोन में, ये बहुत इजीली तरीके से इसका बाईपास, ये जो हमारा MI अकाउंट है हो गया है बाईपास। सो अभी तो फिलहाल मैं कर देता हूँ उसको इस तरह से सेटिंग, और सेटअप कंप्लीट हो जाने के बाद में इसको हम देखेंगे यहाँ पर। देखिए लोडिंग ऐप ले रहा है अभी। तो दोस्तों, ये बहुत इजी टूल है और अच्छा है काम करने के लिए, और मैं कुछ पुश नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ये टूल का नॉलेज आपको होना चाहिए। हाँ, आपको लगता है कि ये टूल मुझे परचेस करना है, तो परचेस करने के लिए मैं नंबर आपको दे रहा हूँ, और जो कि आपको नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा, आपको नीचे भी लाइन पे दिखाई दे रहा होगा। चलिए, इसमें लग रहा है टाइम, तो इसको कर देते हैं थोड़ा सा वेट। और अब इसके बाद में ये देखिए हो गया है सेटअप कंप्लीट। ये देखिए तो फोन हमारा हो गया है कंप्लीट तरीके से ऑन यहाँ पर, और इसका IMEI भी दिखा देता हूं मैं। तो देखिए फोन में हमें देख भी रहा है हमारा IMEI। सो आई होप कि आपको ये अच्छा समझ में अच्छा लगे। और समझ तो जैसे कि आपने देखा कि यहाँ हमने किया है एक प्रैक्टिकली टूल में, ताकि समझाने के लिए। दोस्तों, ये कोई नहीं करता है, आपको भी पता है। अब आप यहाँ पे आप देख रहे हैं सैमसंग। अब सैमसंग में देखिए जैसे कि स्पेशल टास्क यहाँ पे दिया हुआ रिसेट FRP। तो अच्छा, यहाँ पे मॉडल के साथ क्या है, यहाँ पे एंड्रॉइड वर्जन के साथ बाइनरी वर्जन भी आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। मतलब आप बाइनरी वर्जन भी आप देख पा रहे हैं और एंड्रॉइड वर्जन भी आप देख रहे हैं। जैसे U4, अगर आपकी फाइल में U4 है और 8 है, तो ये आपके लिए हर काम करेगा ही करेगा। A3 जो सैमसंग का अगर हम बात करें, A3 A320F है, स्क्रीन लॉक विदाउट यहाँ पे देखिए डायरेक्ट दिया हुआ है। जबकि UMD में क्या होता है कि बकायदा एक फाइल बनानी पड़ती है, RLF फाइल बनानी पड़ती है। रिसेट FRP कर सकते हैं, रिमूव MDM। MDM बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं, सर MDM लॉक कैसे रिमूव करें? और सच बताएं, एक बहुत बड़े मसला है, सैमसंग अकाउंट भी बहुत बड़ी एक मसला होता है। रूट कर सकते हैं, अब हर मोबाइल को रूट करेगा ये पता नहीं है, ये आप कीजिएगा तो आपको खुद पता चलेगा। रिमूव RMM, ये दो बड़े मसले होते हैं, एक रिमूव MDM और एक रिमूव RRM। सो सर ये दिया हुआ है रिमूव स्क्रीन लॉक सैमसंग में विदाउट डाटा लॉक, जो कि बहुत अच्छी चीज है। अगर आप FRP कर रहे हैं और अगर आप FRP करने के टाइम पे आपने ब्रिक कर दिया अपने फोन को और वो आगे कोई एरर पे, तो फिर शॉर्ट ब्रिक आप इसको कर सकते हैं। रिबूट डाउनलोड मोड आप ला सकते हैं, बहुत आसानी से पोर्ट बना सकते हैं। फैक्ट्री रिसेट आप मॉडम पोर्ट कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। सैमसंग फ्लैशर भी डला हुआ, मतलब आप कर सकते हैं सैमसंग को फ्लैश अगर आपको इसको क्लिक करते हैं। तो दोस्तों है तो बहुत सारी चीज़ें इसमें, RMM अनलॉक के बारे में यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें। डाउनलोड मोड पे आप इसको ADB मोड पे कर सकते हैं, और डिसेबल सिक्योरिटी स्टेटमेंट ADB यहाँ पे दिया हुआ है। बूट लोगो आप यहाँ पे एक स्क्रीन यहाँ पे इनको दीजिए, साथ में एक दीजिए एक बिन फाइल, और साथ में आप यहां से इसको कर सकते हैं चेंज आपके बूट लोगो। जैसे बहुत से कस्टमर होते हैं जो करवाना चाहते हैं, तो बिल्कुल भी आप ये यहां पे आसानी से कर सकते हैं इस टूल के साथ। मॉडेम के आप यहां पे मैन्युअली मॉडेम की फाइल को आप यहां पे सेलेक्ट आप लेकर आप अपना मॉडेम रिस्टोर करना चाहते हैं। जैसे सपोज कई बार मॉडेम अपग्रेड और डाउनग्रेड करने की पड़ती है जरूरत, बैकअप और रिस्टोर जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे सेट फाइल EFX जो भी ये फाइल होती है, यहाँ पे QCN अगर कॉलकॉम का है तो QCN, अगर मान लो MTK का लगा हुआ तो ये आप करेंगे यहाँ पर सेट फाइल को आप रीड एंड राइट। तो ये सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है, और देखिए इसके साथ में रिस्टोर EFX फाइल भी आपको देखने को मिल जाएगी। रिपेयर में आपको यहाँ पर डाट अनलॉक DRK रिपेयर भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। सिक्योरिटी पैच आप यहाँ से कर सकते हैं, जो कि आपको ZTX बॉक्स में मिलता है खाली, और एक XML कोड भी आपको यहाँ पे दिया गया है, जो भी बहुत अच्छी चीज है। मॉडल सेलेक्ट करने के बाद में आपने बस करना है इसको टिक। ओके, तो पोर्ट यूज करना है, जैसे अभी मैंने तो ऐसे ही टिक कर दिया था। पोर्ट यूज करना है यहाँ पर आपको मॉडम का पोर्ट बना के, जैसे आपको पता है कि यहाँ पे सैमसंग का मॉडम का पोर्ट बनता है। एंड्रॉइड में हम बात करें, सैमसंग के एंड्रॉइड में आप इतनी सारी कर सकते हैं चीजें। रिमूव MDM अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो रिमूव MDM अलग से यहाँ पे स्पेशल टास्क में आपको ये देखने को मिल जाएगा।
एंड्रॉइड की बात करें तो फिक्स हेल्थ रिपेयर एमपीआई स्प्रिंट अनलॉक सेट ये थोड़े बहुत आपको सेटिंग यहाँ पे अलग से देखने को मिलेंगे। ईएफएक्स की बात करें तो कॉलकम के लिए और जेनोक्स के लिए तो अलग अलग ईएफएक्स यहाँ पे आपको रिसेट करने के लिए वाइप करने के लिए वो भी सिर्फ डाउनलोड मोड पे ये दे दिए गए हैं। एलजेड फोर आपको नहीं पता तो बता दूं कि जो भी 7 वर्जन के ऊपर जो फाइल होती है वो डॉट आईएमजी में नहीं डॉट एलजेड फोर में आती है, जिससे अंदर से आप फाइल निकाल के उसको डॉट टर बना के ओडिन में यूज कर सकते हैं। सो ये सारी चीजें आई होप आपको समझ में आ रही होंगी। एलजी की बात करेंगे तो आप यहाँ पे डायग्नोस्टिक मोड से आप इसको डायरेक्ट अनलॉक कर सकते हैं। न्यू डायग्नोस्टिक मोड आपको डायग्नोस्टिक मोड बनाना पड़ेगा पर उसके लिए यहाँ से आप इसको मॉडल को सिलेक्ट करके और मॉडल इसके हैं बहुत सारे, तो जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं स्क्रीन अनलॉक एनेबल एडीवी फैक्ट्री रिसेट काफी कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। सोनी की बात करेंगे तो एफटीएफ फाइल के साथ यहाँ पे आप कर सकते हैं इसको फ्लैश, जिसमें आप चाहे तो यहाँ पे वाइप डाटा यूजर का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। एमटीके में फ्लैशर भी दिया हुआ है, रिपेयर भी दिया हुआ आई एम आई मेटा मोड पे एटी मोड पे एडीवी एटीई मोड यहाँ दिया हुआ है और लिखा हुआ है सीधे सीधे कि भाई मॉडिफाइंग आईएमई इज इलीगल अगर आप कर रहे हैं गलत तरीके से। तो यहाँ पर अगर हम बात करें एनवीआरएम को रीड और राइट कर सकते हैं, ये होती है आपकी डाटा जिसमें आपकी सिक्योरिटी फाइल होती है। जैसे कि अगर मान लो बेसबैंड किसी भी तरीके से नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से एनवीआरएम की फाइल डाउनलोड करके उसका बेसबैंड ला सकते हैं। डायरेक्ट अनलॉक रीड अनलॉक कोड यहाँ पे दिया हुआ है बहुत, और अगर मान लो वीवो का सेट है तो वीवो फैक्ट्री रिसेट भी आप यहाँ पर कर सकते हैं एक 80 मोड पर उसके। सो ये सारी चीज यहाँ पे हुवावे में बात करेंगे तो आप यहाँ पे नॉर्मली इसको कर सकते हैं फ्लैश फॉरवर्ड ईडीएल मोड पे। आपको यहाँ पे देना पड़ेगा उसका एपीपी फाइल, जो कि इसका आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं हुवावे में, क्योंकि आपको पता है टेस्ट पॉइंट्स और बहुत सारी चीजें होती है क्योंकि इसमें दिया हुआ अलग से एक टूल। और माइक्रोसॉफ्ट लूमिया की बात करें तो आप लूमिया के फोन तो अब तो खत्म ही हो चुके हैं, फिर भी यहाँ पे उन्होंने दे दिया है कि आप यहाँ से उसके FFU फाइल को सिलेक्ट करके रीड आप उसको कर सकते हो फैक्ट्री सेट या फिर उसको कर सकते हो डायरेक्टली फ्लैश। अब मैं बात करूँ मोटरोला की तो मोटरोला में भी काफी चीज दे रही है, फास्ट बूट पे FRP फिक्स नेटवर्क, अगर आपका बेसमेंट चला जाता है तो कई बार होता है कि फिर नेटवर्क करने से भी बेसमेंट आ जाता है। रिसेट FRP नेसेस जैसे दिया हुआ नेसेस मॉडल फास्ट बूट का यहाँ पे दिया हुआ है। रीड इन फॉर फास्ट बूट मोड यहाँ पे बन दिया हुआ है कि फास्ट बूट मोड पे कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और बूट लूप जैसे कई बार कुछ फोन होते हैं जो बूट पर फिक्स हो जाते हैं, मतलब एक तरह से लोगों पर बूट के जो उनका लोगो होता है उस पर हैंग हो जाते हैं, तो यहाँ से इसको फिक्स करने का ऑप्शन दिया हुआ है। MTK के कुछ यहाँ पर मॉडल डाल दिया जिसके आप यहाँ पे कर सकते हैं FRP। अगर मैं बात करूँ क्या बूट की दबानी है तो वही होल्ड वॉल्यूम डाउन वॉल्यूम वो तो सारी चीज आपको पता ही होगी, नहीं पता है तो ज्वाइन कीजिए क्लासेस। FRP की बात करें अगर STC है तो यहाँ पर STC में आपको डन करना है FRP सर्चिंग मॉडल, तो मेरे ख्याल से सारी जो ये डन कर रहा है फास्ट बूट मोड पे, हालांकि यहाँ पे लिखा होता है तो ये आपको चेक करना है लगा कर कौन से मोड पे आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है। और ये ऑटो पोर्ट डिटेक्टेड है और आपको अब मैनुअल करना है तो जैसे कि मैंने बताया ऊपर है। अब यहाँ पर रिबूट में बहुत सारी चीजें दी हुई है, तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया हो और अभी ये वीडियो में बहुत कुछ है तो वेट कीजिएगा क्योंकि मैंने UAE टूल का पूरा अभी नहीं बताया है। मैंने बोला था कि वीडियो लंबा होने वाला है पर नॉलेजेबल होगा, मतलब इसमें नहीं होगी फालतू की बातें और सिर्फ होंगी नॉलेज की बातें। अब हम ये टूल को बंद कर देते हैं क्योंकि एक वक्त पर चलाया जा सकता है सिर्फ एक ही टूल, तो इस टूल को कर देता हूं मैं बंद। तो हमने खोला उबावे के टूल और उसके बाद मैं FRP और फटाक से खोलते हैं ISP का और खत्म करते हैं इस वीडियो को। और वीडियो में आपने देखिए ये हो गया है उबावे का इंटरफेस, कुछ इस प्रकार का नॉच डिस्प्ले के साथ में इस तरह का आ रहा है। करनी है आपको लॉगिंग, वही लॉगिंग जो आपने उस टूल में किया था वही लॉगिंग और वही आईडी आपको इस टूल में डाल के इसको करना है आपको ओपन, क्योंकि मैंने बताया ये एक बिना हार्डवेयर आईडी से चलता है और बिना क्योंकि मैंने बताया ये बिना हार्ड फिजिकल हार्डवेयर USB डिवाइस से चलता है, क्योंकि इसमें लगेगा आपको सिर्फ खाली एक हार्डवेयर आईडी ताकि कोई भी सिर्फ एक ही टूल पासवर्ड से आप चार कंप्यूटर में एक साथ लॉगिन नहीं कर सकते, मतलब इस आईडी के साथ सब इस आईडी के साथ केवल यही ईमेल आईडी आपकी लॉगिन होगी। सो यहाँ पे मोड दिए हुए हैं जैसे कि आप देख रहे हैं CPU, जैसे आपको पता है कि यहाँ पे अलग अलग मोड होते हैं हुवावे में, कॉम 1.0 में कनेक्ट करना है या फास्ट बूट मोड पे, इसमें हालांकि EDLB और ADB और PCUI एक मोड आपको देखने को मिलेगा। CPU यहाँ पर आपको देखेंगे कि आपको कितने सारे CPU यहाँ पे क्रीन के आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आपको पता है कि क्रीन हाई सिलिकॉन के CPU यहाँ पर आते हैं। और सर्विस में आपको आप डिवाइस की इन्फॉर्मेशन रीड कर सकते हैं, FRP रिसेट कर सकते हैं और वो यहाँ पे मोड सेलेक्ट करके, ठीक है। और जैसे यहाँ पे टेस्ट पॉइंट का भी यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे आप यहाँ से मॉडल की टेस्ट पॉइंट फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है
और यहाँ पर जैसे कि एक टेस्ट मोड यहाँ पे आ गई है, जैसे कि मुझे यहाँ ऑनर 6 है या मेरा ऑनर 9 है। अब मैंने ऑनर 9 पर टिक किया और यहाँ पर देखिए इसका टेस्ट मोड आ गया। मुझे करना है इसके साथ ग्राउंड को कनेक्ट, ताकि ये कनेक्ट हो जाएगा USB 1.0 पर, और इसके साथ मैं यहाँ पर करूंगा रिसेट FRP और मारूंगा एजिक्यूट, तो ये कर देगा मेरा। और उसके साथ मुझे यहाँ पे CPU भी सिलेक्ट करना पड़ेगा, और CPU सिलेक्ट करना है इस तरह से, और फिर उसके बाद एजिक्यूट करना है, और बस सर्चिंग मोबाइल, और वो डन कर देगा वन क्लिक में। बहुत अच्छा है दोस्तों ये, जनरली ये MRT में होता है, अब बहुत अच्छा है कि इसमें भी हो रहा है। फ्लैशर यहाँ पे दिया हुआ है, अपग्रेड मोड फाइल करना है इसके साथ फ्लैश करते हैं। अच्छी बात क्या है कि आप बूट फर्मवेयर को डाउनलोड करके आप वर्कॉम 1.0 के साथ इसको कर सकते हैं फ्लैश, फास्टबूट भी फ्लैश कर सकते हैं, पर जनरली हुबा में फास्टबूट लॉक होते हैं। APB स्टार्टर यहाँ पे दिया हुआ है, इसकी फाइल को आप खोल के इसकी फाइल निकाल सकते हैं। हुबा पे कॉलकम, अगर कॉलकम का सेट है और हुबा में अगर मान लीजिए XML फाइल आती है तो उसके साथ यहाँ पे कर सकते हैं आसानी से फ्लैश, जिसमें फ्लैश प्लस सर्विस भी दी हुई है, जिसमें आप निकाल सकते हैं आप स्क्रीन का, तो आप यहाँ पे स्क्रीन लॉक रिसेट कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं, और उसके साथ बहुत सारी चीजें FRP और फॉर्मेट, आप यहाँ पे रीड इनफो, रीड पैटर्न, ये रीड फॉर्मवेयर भी यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो ये दे दिया उन्होंने पूरा एक कॉलकम जैसा इंटरफेस, साथ में यहाँ पर उन्होंने दे दिया है यहाँ पर कॉम, जैसे अगर मैंने कॉम 1.0 सेलेक्ट किया, अगर मान लो उसमें भी कुछ अलग कॉम बनते हैं, जैसे आपको तो पता ही है कि कई बार दो पर्टिकुलर कुछ कॉम बन जाते हैं, तो आप उन्हें सेलेक्ट करना है अपने कॉम को इसमें, हालांकि पहले रखना आपको ऑटो में। सो बहुत अच्छा टूल है, और चलिए अब हम बात, तो देखिए ये खुल गया है FRP मॉड्यूल का इंटरफेस, जैसे कॉलकम है, अपने EDL में FRP माननी है, ADB में माननी है, ठीक है। यहाँ से आप ऑटो लोडर भी सिलेक्ट कर सकते हैं और मैनुअल लोडर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और सैमसंग है, सैमसंग में यहाँ पे मॉडल दिए हुए हैं डाउनलोड ADB पर, UART केबल लगा के भी आप कर सकते हैं, MDK है, अगर मैं MDK की बात करूँगा तो फ्लैश मोड आपको पता ही है, फ़ोन बंद करके जो वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन दबा के किया जाता है। LG डाउनलोड मोड पे ला के हुबावे में आप कर सकते हैं, हुबावे के अलग से टूल दे दिया गया है, और यहाँ पे आप कर सकते हैं मोटरोला में। एक छोटा सा बीच में ब्रेक लेना पड़ा, तो चलो कोई नहीं है, एक मोटरोला यहाँ पर आप मोटरोला FRP भी कर सकते हैं। तो बेसिकली ये FRP का टूल है, और टूल के बाद देखा जाए तो एक ISP का टूल दिया हुआ है, और तो ये चार टूल है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। और ISP के टूल के साथ में जब आप यहाँ से ऑनलाइन, उसमें आपको जो अडेप्टर यूज करना पड़ेगा, वो अडेप्टर आप ये परचेस कर सकते हैं, ZX मलिक का एक बनाया हुआ एक अडेप्टर है, यह है ZX ISP वर्जन 1.0। इस अडेप्टर में आपको क्या चीज़ देखने को मिलेगी मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, इसका एक वीडियो भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर मोबाइल ISP के थ्रू लगा हुआ है इस अडेप्टर के, और मोबाइल टीयर टूल के थ्रू ही हो रहा है। मतलब इस अडेप्टर की खासियत ये है कि आपके पास UMT हो, आपके पास में कोई भी MMC का टूल हो, MRT का हो या किसी का भी हो, आप इस अडेप्टर को यूज़ कर सकते हैं अपने ISP जम्पर के लिए, और एक कनेक्शन आप हार्डवेयर कनेक्शन बना सकते हैं, ताकि आप अच्छा खासा एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाएं, ताकि फ़ोन डैड ना हो। इसमें अगर नॉर्मल वोल्टेज देने के लिए आप USB केबल यूज़ कर सकते हैं, बट कभी कभी कुछ मोबाइलों में वोल्टेज देने की ज़रूरत अलग से होती है, तो वहाँ पर आपको VCC और VCC Q पर जम्पर देने की। ये अडेप्टर आपको मिल जाएगा, आप सर्च कर ले वेबसाइट, ये वेबसाइट की लिंक भी मैं आपको दे दूंगा, ये मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए ये ZX मलिक की वेबसाइट है, जहाँ पर आपको सारे टूल्स के रेट आपको मिल जाएंगे, आप कंपेयर कर सकते हैं अदर मार्केट के, जो भी आप खरीदेंगे सब्सक्राइब का आप दिखाएंगे, तो उसमें 10% आपको ओवरऑल सब मिल जाएगा। आप ये नंबर नोट कर सकते हैं, ये नंबर मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, कॉलिंग नंबर, व्हाट्सअप नंबर उनका सब दिया हुआ है, ईमेल आईडी उनकी दी हुई है, और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। और दोस्तों जैसे कि बता रहा था कि हमारी नई वेबसाइट ये है, लॉन्च होने वाली है बहुत जल्द, जैसे आईफोन ट्रेनिंग में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको हमारे सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, हर कोर्स के अंदर आपको पूरी जानकारी डिटेल फीस के साथ, उसके रिलेटेड वीडियो, कौन इसके टीचर होंगे, और कोर्स की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, क्या क्या आपको कोर्स के अंदर सिखाया जाएगा, सारी चीज़ें डिटेलिंग मिल जाएगी। इस वेबसाइट पे काम चल रहा है, हो सकता है कि आपको लगे कि पूरी नहीं है, क्योंकि अभी ये वेबसाइट में बहुत कुछ बनने को है, स्टूडेंट की भी बहुत सारी डिटेल यहाँ पर डलेगी, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर वेबसाइट में आपको मिलने वाली है, और इसमें इवेंट और ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने, आप यहाँ पर देखेंगे ये हमारे ऐसे टेलीकॉम के यहाँ पर सर्टिफिकेट, या हमारे ऐसे टेलीकॉम के टीचर्स के साथ में, तो ये सारी चीज़ जो आप देखेंगे यहाँ पर बहुत कमाल की होने वाली है, और एक अच्छी वेबसाइट हम यहाँ पे आपको देने वाले हैं ऐसे टेलीकॉम की तरफ से। सो ये ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके, और साथ में टोल फ्री नंबर पर हमने बताया हुआ है, ये तो इंडिया में नहीं, इवन हम तो एशिया में भी, अब तो हम वर्ल्ड में कहते हैं कि हम नंबर 1 ही हैं,
रीजन क्या है, आप साफ साफ देख रहे होंगे कि इंस्टेंट कॉलिंग सर्विस चालू करा पाना किसी भी के लिए भी बहुत दिक्कत इंपॉर्टेंट नहीं दिक्कत की बात होती है। रीजन क्या होता है कि करेक्ट टीम, बिल्कुल एक ऐसी टेक्निकल टीम बिठा पाना जो सिर्फ यही काम करे, ऐसे लोग पॉसिबल नहीं है मिल पाना जो कि हमने तैयार किए हैं और बहुत अच्छा काम कर भी रहे हैं। और दोस्तों तो ये सिर्फ आपको इसे टेलीकॉम में मिलेगा, देखिए। और ये टूल्स की लिंक मैं सारी नीचे दे दूंगा, यहाँ पे आपको सारे सेटअप की लिंक, ये आपको लिंक नीचे मिल जाएगी, सारे सेटअप वन क्लिक में आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। ये था UAT यूनी एंड्रॉयड टूल का कंप्लीट सिनेरियो। आई होप कि आपको समझ में आया हो और पसंद आया हो। अगर अच्छा लगे तो ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर ये आपको चाहिए तो आप इसके लिए कॉल कर लेना ZX में लिखो, और अगर आपको ट्रेनिंग चाहिए तो आप नंबर पे कॉल कीजिए 1800103 7001 पर, एक्सटेंशन 1 पे आप कॉल कीजिए 12, 11 और 5 बजे के बीच में। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, जुड़े रहे चैनल से इसी तरह। तो मेरे प्यारे भाइयों, एक बार मेरे साथ बोलो, इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन? इंडिया का सबसे नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन? थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। An ISO 9001 and 2008 certified institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.